I think this was a very dangerous stunt that I did. Q&A करने के लिए ना मुझे कैमरा लगाना पड़ेगा आगे. Who is your favorite YouTuber? गरिमा गोयल ने स्कूल में चीटिंग की है. मैं दादी बन जाऊंगी. Yes! इसको नहीं जाना. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, यहीं रुकेंगे हम. भाई कोविड है, कहीं नहीं जा सकते. दिस इज माय 24 आवर्स लिविंग इन माय कार चैलेंज. यहाँ पे आसपास कुछ नहीं है और हमारी ये कवर्ड पार्किंग है, सो आई थिंक वी आर गुड. हाँ, बट क्योंकि मुझे थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया का प्रॉब्लम है, तो मैं इनिशियली सारे दरवाजे सोच रही हूँ खुले रख के सेटिंग करूं. इसकी सीट इतनी बड़ी नहीं है कि इसके ऊपर कोई गद्दा वद्दा आ जाए, इसीलिए मैं ये मैट जब ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे बिछा दूंगी. आई थिंक दिस विल ऐड अ लिटिल कलर टू माय लाइफ टुडे. देखा कितना प्रिटी लग रहा है ना. और साथ में है मेरी ये बास्केट फुल ऑफ द स्टफ That I will need today. इस चैलेंज का श्री गणेश करे क्या? मुझे ना एक बहुत अच्छी चीज सूझ रही है. आ जाओ. इस सीट पे मैं नॉर्मली तो बैठ नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है, लेकिन आज मैं इस सीट पे बैठ के ना पूरी ऐसी फील लूंगी कि मुझे बहुत अच्छे से गाड़ी चलानी आती है, क्योंकि गाड़ी तो यही रहने वाली है. अगर मुझसे ये गाड़ी यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाती तो मैं क्या करती. ये सीट अपनी औकात से बाहर है. मेरा पौधा गिर गया यार. आई एम गोना बी सो क्लम्सी इन द कार टुडे. दादा क्या हाल है? इधर आओ इधर आओ. आज मैं ना पूरा दिन भर गाड़ी में रहने वाली हूँ, तो मुझे कुछ सामान चाहिए होगा तो मैं आपको कॉल करूँगी. ठीक है, मुझे यहाँ पे लाके दे देना. ओके थैंक यू. चलो सोसाइटी के वॉचमैन भैया को तो पटा लिया है, कुछ भी चाहिए होगा तो वो गाड़ी में लाके मुझे यहाँ पर दे देंगे. सो माय लाइफ इज गोना बी सॉर्टेड. बाय द वे आप लोग परेशान मत होना, अगर मुझे थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगा, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया फील हुआ, मैं ये चैलेंज छोड़ के बीच में भाग जाने वाली हूँ. आई डोंट केयर कि मैं ये जीतूँ या हारूँ, बट या माय हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्थ से याद आया, मेरी ट्रेनर के आने का टाइम हो गया होगा. क्या मैं गाड़ी में वर्कआउट करूँ? किसी ने लिखा था गाड़ी में वर्कआउट करो. ए फ्यू मिनट्स लेटर. हाय हीरा गाइस, मेरी ट्रेनर आ गई है. आज हम गाड़ी के अंदर वर्कआउट करेंगे. ठीक है ठीक है. चल थोड़ा आगे यहाँ पे बैठ जाओ. वन थ्री फोर. अरे यार ये सीट टेढ़ी है, ये नहीं हो रहा फिर से. तुम्हें क्या आप लोगों ने ऐसे गाड़ी में वर्कआउट किया? Guys, this is the funniest workout that I have ever done. My God, ये लड़की ना बहुत ज़्यादा talented है. इसने मुझे गाड़ी में workout करके थका दिया. बहन, अब तू जा, okay? Bye, have a good day. खाना time पे खा लेना. Yes, चलो. I am so hungry now. I need some breakfast. कहाँ गया? हाँ. ये रहा मेरा शेकर और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट. गाड़ी में इतना इंटेंस वर्कआउट करने के बाद मेरी बॉडी को भी तो कुछ इंटेंस ब्रेकफास्ट चाहिए, इसीलिए आज मेरा ब्रेकफास्ट है मेरा ये लीन प्रो हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट शेक, जिसे मैं गाड़ी में बहुत ही आसानी से बनाकर पी सकती हूँ. इसके एक स्कूप में 36 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, ग्लूटामाइन है, फाइबर्स है और ये बहुत ही फिलिंग होता है. ये ब्लूबेरी फ्लेवर है, एकदम स्मूदी के जैसा बन जाता है. इट्स वेरी टेस्टी.
ये जो मील रिप्लेसमेंट शेक है ना, इट वर्क्स ऑन योर मसल ग्रोथ एंड नॉट फैट. सो ये वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है. और अगर आपको लीन फिट हेल्दी बॉडी चाहिए तो ब्रेकफास्ट में तो आप इसको पी लिया करो मेरी तरह. यू नो, एक रेगुलर मील में 500 to 700 कैलोरीज हम कंज्यूम कर लेते हैं, बट इसका जो एक स्कूप है उससे सिर्फ 130 कैलोरीज के आसपास हमारी बॉडी के अंदर जाती है, एनर्जी भी मिल जाती है. और इसे बनाना तो सुपर ईजी है, आपने देखा ना, बस पानी के अंदर, या फिर आप चाहें तो स्किम मिल्क भी ले सकते हैं. उसमें एक स्कूप या दो स्कूप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऐड कर लो और इसे पी जाओ. ब्रेकफास्ट डन राइट गाइज. डॉक्टर्स चॉइस के इस लीन प्रो में जीरो शुगर है, जीरो ट्रांस फैट्स हैं, नो प्रिजर्वेटिव्स, इट्स ग्लूटेन फ्री एज वेल. तो मुझे लगता है आप लोगों को भी इसे जरूर ट्राई करना चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली सेफ. अगर आपको इसे ऑर्डर करना है, आई विल लीव ऑल द डिटेल्स फॉर यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गाइज, आप लोगों को ये आवाज़ सुनाई दे रही है, कू की, ये कोयल की आवाज़ है कि पैरट की? ओ माई गॉड, मैंने तो ये आवाज़ कभी नहीं सुनी. देखो बाहर कैसे हवा चल रही है, कोयल बोल रही है, कहाँ पे है पता नहीं, किधर से आवाज़ आ रही है, बट दिस इज सो ब्यूटिफुल. चलिए, कोयल की कू कू के बीच में मैं वो काम करती हूँ जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, हमारा Q&A. तो Q&A करने के लिए ना मुझे कैमरा लगाना पड़ेगा आगे डैशबोर्ड पे, ताकि मैं अच्छे से आप सबके सवालों के जवाब दे सकूं. अभी सीट को कर लेती हूँ पीछे. ओ फ्रीक, दिस इज सो डिफिकल्ट. अब मैं आती हूँ आगे वाली सीट पे. अबे फ्रेम तो सेट हो गया, फोन पीछे ही है. भाई ये कोयल की कू कू तो तेज होती जा रही है, डिस्टर्ब करेगा हमारे Q&A में. दरवाजा बंद कर लेती हूँ. ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, 9000 सवाल जिसमें से 9500 ना शायद आप लोगों ने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ही पूछा है. What? अरे भैया मान जाओ, मैं नहीं बात कर सकती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, बिकॉज मेरी फैमिली कैमरा पे नहीं आना चाहती है यार. आई हैव टू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी. कितनी बार बताऊँ आप लोगों को. जिस दिन होगा उस दिन करूंगी, बट फिलहाल कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, उनके आंसर कर देती हूँ. पूजा टिमांडे आस, द थ्री थिंग्स यू कांट लिव विदाउट. मेरी शाम की 5 बजे की चाय. माई सोशल मीडिया फैमिली, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू ऑल. और थर्ड है मेरा फोन, आई एम एडिक्टेड टू माई फोन. ये मत बोलना अगला चैलेंज करो 24 आवर्स लिविंग विदाउट योर फोन, मैं नहीं करने वाली हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना चैटर्जी आस्क, विल यू एवर थिंक ऑफ गेटिंग अनदर पेट? मे बी सिम्बा की अगर शादी होगी, उसका कोई बच्चा होगा, तो आई माइट वॉन्ट टू अडॉप्ट सिम्बूज किड. हाउ क्यूट इज दैट गोना बी? मैं दादी बन जाऊंगी सिम्बा के बच्चे की. नो. ब्रजेश यादव ने पूछा है, डू यू एवर गेट एंग्री? मैं बहुत गुस्सेल हूँ, बचपन से बहुत गुस्सेल हूँ, लेकिन हाँ मेरा गुस्सा जैसे तेजी से बढ़ता है ना, वैसे ही शांत भी हो जाता है. डांस फिट अनन्या आस्क मी, Which is your own favorite video from your own channel? Interesting. मुझे लगता है मैं 300 से ज़्यादा वीडियो बना चुकी हूँ अपने चैनल पे आज तक. Okay, I have an answer. मैं अभी रिसेंटली दिल्ली गई थी और मैंने अपनी ओल्ड दिल्ली वाली हवेली शूट की थी. I think Ananya, that's one of my most favorite videos. Oh God, उस हवेली के बारे में बात करती मैं इतनी इमोशनल होने लगती हूँ. जब मेरे घर वालों ने, यू नो, माई पेरेंट्स, माई चाचा चाची, माई ताऊजीज, जब उन लोगों ने वो वीडियो देखी, दे वर लाइक, तूने ऐसा काम कर दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे. हमारी हवेली को तुमने एक वीडियो में कैप्चर कर लिया है, एंड नॉट ओनली फॉर मी, इट्स गोना बी अ मेमोरी फॉर माई इंटायर फैमिली. ऑल राइट, अमायरा शर्मा आस्क्ड मी, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट इंस्पायर्स मी. यू नो हिज जर्नी, कैसे वो IITian हैं, वो पायलट थे और उनकी लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आए, एंड देन नाउ ही इज डूइंग यूट्यूब फुल टाइम. महेश आस्क्ड मी योर फर्स्ट किस.
इट वॉज विद माई स्कूल टाइम बॉयफ्रेंड स्कूल के वॉटर टैंक के पास ऐसा चुप चुप के बहुत ही कोजी क्यूट फर्स्ट किस थी. हाउ मेनी मार्क्स यू गेट इन 10th एंड 12th क्लास? मेरे 90% प्लस आए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 90.2 या 91 कितने आए थे, बट मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 10th के बोर्ड्स में भी और 12th में भी. और कॉलेज में तो आप लोग जानते ही हो कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. अंजल ने पूछा है कि आपने एग्जाम में कभी चीट किया है, आपको एम्बैरेसमेंट हुई है. मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन ये सीक्रेट मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है. टीचर्स तो बहुत दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकते होंगे गरिमा गोयल ने स्कूल में चीटिंग की है. बट आप लोगों को बताती हूँ, मैंने संस्कृत में चीटिंग की थी. हाँ, बिकॉज मुझे संस्कृत बहुत टफ लगती थी और मेरी ताईजी स्कूल में ना बहुत सीनियर टीचर थी संस्कृत की, तो बहुत प्रेशर रहता था. मैंने फर्रे बनाए थे संस्कृत के एग्जाम में पास होने के लिए. नीतू ने पूछा है, वेयर डू यू लिव एंड योर फेवरेट चाइल्डहुड पिक्चर? वेल नीतू, मैं मुंबई में रहती हूँ, जुहू में रहती हूँ, और मेरी फेवरेट चाइल्डहुड पिक्चर, चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे फ़ोन में ही है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी फेवरेट पिक्चर्स हमारे फ़ोन में ही होती हैं. दिस वन, कैन यू ऑल सी? मेरे मॉम डैड और मैं हैं. ये आगरा में ताजमहल के स्टेप्स पे आई थिंक बैठी हुई पिक्चर है. एंड लुक एट आवर स्माइल्स, कितनी क्यूट फोटो है ना. और सबसे अच्छी बात यह है इसमें मेरा भाई नहीं है, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ था तब तक. बट माई ब्रदर, माई क्यूट ब्रदर राघव, आई लव यू. ओ मैन, इतनी सारी बातें करके मुझे लग गई है बहुत जोर की भूख, तो कुछ ऐसा मंगवा लेती हूँ जिससे मेरे हाथ वाथ और मुंह मैसी ना हो, कार फ्रेंडली हो और आराम से खा लिया जाए. व्हाट अबाउट अ सैंडविच? आई थिंक इट शुड डू. वन इटर्निटी लेटर. मेरा खाना आ गया. Thank you. Exactly टोल प्लाजा वाला ब्रेक है. सैंडविच लेके गाड़ी में बैठ के खाओ और सफर को आगे बढ़ाओ. सोसाइटी ने ना यहाँ पे डस्टबिन रखा है, अब मैं बाहर तो जा नहीं सकती हूँ. आई होप इसके अंदर गिर जाए. Yes! Bingo! एसी चालू कर लिया है, एक्रोबैट्स करते हुए दरवाजे बंद करने हैं सारे. अब मैं लगा लेती हूँ अपना ये बिस्तर और अब हम मिलेंगे कम से कम 2 घंटे के बाद मेरे चाय के टाइम पे. ठीक है, सी यू. 3 hours later. Good evening, guys. मुझे लगता है मैं 2 घंटे से ज़्यादा ही सो ली हूँ. अब मुझे समझ में आया ड्राइवर लोग एसी चालू करके मस्त गाड़ी के अंदर कैसे सो जाते हैं. पर उन्हें आदत होती है, मुझे आदत नहीं है. मेरी पूरी बॉडी दुख रही है ऑलरेडी. Oh no. मेरी ये जो गद्दी है, मुझे लगा ये कंफर्टेबल होगी, बट द सीट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल. और मेरी इस कार में मैं कभी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती हूँ. आई ऑलवेज हायर एन SUV. माई बॉडी इज़ फीलिंग वेरी वेरी क्रैम्ड अप राइट नाउ. स्ट्रेचिंग करनी चाहिए गाड़ी से बाहर निकल के. हाँ, मतलब गाड़ी के बाहर नहीं जा रही हूँ भाई, ऐसे ऐसे गाड़ी के बाहर आई हूँ. मुझे लगता है मेरी शाम की चाय मेरे सारे दुखों का निवारण है. वॉचमैन दादा को फ़ोन करती हूँ, बोलती हूँ मेरी चाय लेकर ज़रा आ जाए. 15 minutes later. चाय आ गई भाई, लाइए माय गर्मा गर्म चाय. हमारी कवर्ड पार्किंग है ना, उसकी वजह से गाड़ी में इतनी जल्दी अंधेरा होना शुरू हो गया है, जबकि बाहर मुझे सारे लोग ऐसा वॉक करते हुए गार्डन में नजर आ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है मैं यहाँ गाड़ी में बैठ के चाय पी रही हूँ. यार चाय पीने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं तो बोर हो जाऊंगी. सिम्बू को बुलाए क्या? आई एम मिसिंग हिम. आप लोग भी इस वीडियो में उसे मिस कर रहे हो ना, वो वॉक से वापस आ रहा होगा. चलो उसे बुलाते हैं, थोड़ा टीपी होगा पद से. सिम्बू आ गया. इसको नहीं जाना.
जाना है घर वापस जाना है तुमको गाड़ी में ही रहना है गाड़ी में ही रहना है चुप रहा है चुप रहा है चुप रहा है सब मुझ चुप रहा है बाय इट वाज सो फनी सिम्बू को जाना ही नहीं था गाड़ी में से वापस उसे लगा गाड़ी लेके उसको घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं बड़ा नाटक किया यार चलो ठीक है इसी बहाने मेरा थोड़ा टाइम पास हो गया अब मैं थोड़ा काम कर लूँ हाँ मुझे बहुत सारे पेंडिंग मेल्स के जवाब देने हैं सो आई विल सी यू गाइस एट डिनर टाइम 8:01 PM डिनर टाइम हो गया है हम जब भी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रात का डिनर ढाबे ढूबे पे खाते हैं है ना मैं सोच रही हूँ मैं भी खाने में पनीर टिक्का मंगा लूँ कैसा रहेगा लेकिन खाने के पहले मुझे वॉशरूम ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे गाड़ी में 11 घंटे के करीब होने वाले हैं सो एक लू ब्रेक तो अलाउड है ना क्विकली जाती हूँ नाइट सूट में चेंज कर आती हूँ और उसके बाद आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे ठीक है सी यू इन अ बिट चीटिंग नहीं है यहाँ एक वॉशरूम ब्रेक अलाउड है 1 little longer than a few minutes later. आ गई मैं वापस आ गई भाई तकिया लेकर आई हूँ सुबह भूल गई थी खाना कैमरा की बैटरी खत्म होने वाली है तो वो लेकर आई हूँ और नाइट सूट में चेंज भी कर लिया है गाड़ी की सारी लाइटें मैंने एक बार फिर से ऑन कर ली है एसी चालू कर लिया है अब तसल्ली से डिनर करते हैं यम्मी पनीर टिक्का आज तो ऐसा लग रहा है इस गाड़ी को मैंने अपना घर ही बना लिया है एंड मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया बिल्कुल भी फील नहीं हुआ प्रॉब्ली बिकॉज ट्रैवलिंग की आदत है मुझे तो गाड़ी ऐसा कन्फाइंड स्पेस नहीं लगी मुझे आई वॉज प्रीटी कम्फर्टेबल थ्रू आउट द डे अपने इस यमी डिनर को फिनिश करने के बाद मैं देखने वाली हूँ टेनेट विच इज क्रिस्टोफर नोलन्स न्यू मूवी मुझे बहुत टाइम से देखनी थी टाइम पास भी हो जाएगा हाँ जी सो टाइम हुआ है देख लो 9:15 बजने आया है सेटिंग करती हूँ और फिर पिक्चर देखनी शुरू करते हैं चलो चलो 2.5 घंटे बाद मिलेंगे ओके बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज देखने के लिए वरना समझ में नहीं आएगी ऊपर से निकल जाएगी सी यू 12:00 midnight हाँ जी गाइस पिक्चर खत्म हो गई है 12 बजने आया है आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी पिक्चर तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई लेकिन एक बात और है जो मुझे समझ नहीं आ रही है वो ये है कि क्या मुझे इस पोजीशन में ऐसे अनकंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी में पूरी रात स्पेंड करनी चाहिए अगर मैंने की तो कल सुबह मेरी हालत बहुत ख़राब होगी मेरी कमर की बैंड बच जाएगी एंड एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू ऑल कि मैं अपनी हेल्थ को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेने वाली हूँ आई होप यू ऑल विल सपोर्ट माई डिसीजन है ना अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में इनकरेज करने के लिए लिख देना दैट वी सपोर्ट योर डिसीजन ताकि मुझे ज़्यादा बुरा ना लगे मैं 12 बजे तक तो कर ही लिया ना मैंने गाड़ी के अंदर चैलेंज तो ऑलमोस्ट पूरा दिन तो हो गया है ना मैं अभी कुछ सामान वान भी नहीं समेट रही हूँ मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है मैं भाग रही हूँ ऊपर सोने के लिए अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है वीडियो अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गरिमास गुड लाइफ लव यू ऑल गुड नाइट टाटा